आई 16 नंबर वार्ड के निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष श्री बुलाई दास जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमारा यहाँ सब मधेसी जनता के श्रद्धेय नेता और हमारा यहाँ के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री उपेंद्र यादव जी, मंच पर मंचासीन आदरणीय नेतागण, आदरणीय विनोद सिंह जी, आदरणीय जीएम साहब, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय विनोद यादव जी, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय उपमेयर साहब, आदरणीय रमेश चौधरी तथा जी, आदरणीय सभी व्यक्ति, हम सब दू प्रकार से आंदोलन करें। एक आंदोलन होइ छै सड़क आंदोलन और एक आंदोलन होइ छै सदन आंदोलन। दोनों आंदोलन हमारा यहाँ के अधिकार प्राप्ति के माध्यम छै। सड़क आंदोलन सेहो बहुत महत्वपूर्ण छै। सड़क आंदोलन से एहि मुल्क में 350 वर्ष के राजा शासन अंत भए गेलै। सड़क के माध्यम से एहि मुल्क के राणा शासन के अंत भेलै, पंचायती व्यवस्था के अंत भेलै, भोजन व्यवस्था के पुनर्स्थापना के लिए कहबे तो लोकतांत्रिक गणतंत्र से सड़क के आंदोलन करे। दोसर एक माध्यम से संसद के आंदोलन, संसद के आंदोलन करे के लिए हम अहाँ सब जनता ओठाम से जाकर जुलूस नारा नहीं कर सकते। ओठाम अहाँ के कोई एक प्रतिनिधि विशेष ही उस संसद में जा सके जो ओठाम के लाखों हजारों जनता के प्रतिनिधित्व कर सके। और संसदीय आंदोलन करे के माध्यम और संसद में प्रतिनिधि पहुंचाबे के माध्यम छे यह चुनाव, प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन में अहा सबके आदेश अनुसार इतने दिन 7 पार्टी मिलकर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा बनाकर और आंदोलन करे चले, सड़क आंदोलन करे चले, सब आदमी में योगदान करे चाहिए। संगे संगे हम अहा नारा लगाइए, संगे संगे जुलूस निकालिए, संगे संगे हमारा सब पर पुलिस लाठी बरसावे और हमरे आगे सीना पर गोली ठोकने रहे। हम आज जिंदा छे, कोई बगल वाला मर गए, वीरेंद्र मर गए, दिलीप मर गए, संदन मर गए, बहुत कोई हमरे यहाँ के बगल में गोली लाग में सीना में मर गए। अखनो 272 आदमी हमारा यहाँ के धियापुता, हमरे यहाँ के बंधु बांधव अखनो बिछान पर